तो भाई तू मुझे एक बात बता दे कि अभी जो मतलब सरकार बिटकॉइन बैन करने का बात कर रहे तो बिटकॉइन है क्या असल में? मतलब इसका क्या काम है? नहीं है, कॉइन है, कैसा कॉइन है, क्या मिलता है इस कॉइन से? अबे ओ, तूने मुझे मारा क्यों? ओ बेवकूफ, सुन, तुझे नहीं पता क्या कि मैं गेमर हूँ? मतलब तू गेमर है तो किसी को भी मार देगा, फिजूल में कोई कारण हो ना हो मार देगा। तू गेमर है तो इसलिए मारेगा सभी को। हाँ तो गाइस, अगर आपको भी किसी गेमर से उसकी तरह मारना खाना हो या फिर जानना हो कि क्यों गेमर्स के सामने बिटकॉइन का नाम लेते वो पूरा एकदम तांडव मचा देते, तो आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, तभी आपको ये चीज पूरा एकदम समझ में आएगा। तो चले उधर चेन टाइम लेकर स्टार्टेड। हम किसी भी गेमर के सामने जब भी जो है बिटकॉइन का नाम लेते तब जो है मतलब बहुत वो गुस्सा हो जाते। क्यों? अगर आपको जानना है तो आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा उधर स्किप। तो देखिए दोस्तों, पहले हमें जानना पड़ेगा बिटकॉइन है क्या। तो शॉर्ट टर्म में मैं आपको बता देता हूँ कि बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है। ये पीयर टू पीयर यूज होता है, मैन टू मैन यूज होता है। मतलब इसका कोई मेन अथॉरिटी, मेन कंपनी कुछ भी नहीं है। जैसे हमारा इंडियन रुपीज INR, इसको देखने के लिए RBI है, सरकारी अथॉरिटीज है। लेकिन बिटकॉइन को देखने के लिए कोई भी सरकारी या फिर प्राइवेट कोई भी अथॉरिटी नहीं होता। ये पीयर टू पीयर यूज होता है, मैन टू मैन यूज होता है। तो आप ये पैसा, मैं सपोज आपको 11 बिटकॉइन भेजूंगा तो ये तो हवा में उड़ के नहीं जाएगा। इसको प्रोसेस करने के लिए एक मशीन लगेगा, हाई एंड एक कंप्यूटर लगेगा। तो इसको जो प्रोसेस करता है, मतलब मैं आपको 11 रुपीस भेज रहा हूँ तो इसको जो प्रोसेस करता है, जो मेरे से आपके पास 11 बिटकॉइन भेज रहा है, इसको प्रोसेस करने के लिए जो है यहाँ पे माइनर्स होते हैं। इनको बहुत लोग जो है GPU माइनर भी बोलते हैं। क्यों? अगर आपको जानना तो देखना पड़ेगा लास्ट तक। GPU माइनर्स क्या करते हैं? उनके पास हाई एंड कंप्यूटर्स होते हैं, वो कंप्यूटर में जो प्रोसेसिंग करते हैं। तो मैं आपको 11 बिटकॉइन भेजूंगा, आपके पास 11 बिटकॉइन है, आपके पास 10 बिटकॉइन जाएगा। इसीलिए एक बिटकॉइन जो यहाँ पे ट्रांजेक्शन जो चार्ज होता है वो लेगे, जो माइनस होता है वो। यहाँ तक तो बात ठीक था, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि हाई एंड PC लगेगा और ये बहुत ही जो है डिफिकल्ट काम होता है, बहुत ही हाई लेवल का काम होता है। इसलिए बहुत सारे जो है ग्राफिक्स कार्ड लगते हैं। आपको पता होगा जो जहाँ पे सिनेमास होते हैं, एडिटिंग होता है, जहाँ पे वहाँ पे बहुत सारे ग्राफिक्स कार्ड होते हैं। गेमर्स के पास भी बहुत सारा ग्राफिक्स कार्ड होता है, क्योंकि ग्राफिक्स प्रोसेस करना पड़ता है और ग्राफिक्स प्रोसेस करने के लिए ग्राफिक्स कार्ड का जरूरत पड़ता है। माइनस क्या करता है, ये जो एक लॉरी ले जाके मार्केट में रख देते हैं एंड पेटी के पेटी ऐसे थोक में 40, 50, 60, 70 जो यहाँ पे जो यहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड है वो अपने पेटी में भर भर के जो अपने घर में ले जाते हैं, क्योंकि उनको जो है ट्रांजेक्शन काम करना है और इनका PC अच्छे से चले, स्मूथली चले, इसलिए जो है वो बहुत सारे एक साथ ग्राफिक्स कार्ड ले जाते हैं। एंड पैसे का कमी तो उनके पास होता नहीं है, तो इसके वजह से क्या होता है कि मार्केट में जो है ग्राफिक्स कार्ड का बहुत डिमांड बढ़ जाता है। तो सपोज सारे दुकानों में ग्राफिक्स कार्ड बिक गया हो और मेरे दुकान में है, तो जो मैं यहाँ पे दाम लगाऊंगा वही दाम में आपको खरीदना होगा। तो इससे क्या होता है, पहली बात तो गेमर्स को मिलता नहीं, और सेकंड बात हम जैसे गेमर्स को अगर थोड़ा बहुत ढूंढने में मिल भी जाए, मतलब दुगुना तीन गुना जो है रेट बोल जाता है दुकानदार। तो इसलिए गेमर्स को गुस्सा आता है कि मतलब जिनको मतलब उनको भी काम है सही है, लेकिन वो जो है हमसे ज़्यादा ले जा रहा है। और गेम खेलने के लिए हमारे पास जितने सफिशियंट ग्राफिक्स कार्ड होने चाहिए वो हमें नहीं मिलता। तो साफ साफ बात भाई, माइनस की वजह से जो है ग्राफिक्स कार्ड वो ले जाते हैं, इसलिए ग्राफिक्स कार्ड का कमी होता है और मार्केट में इसका प्राइस बहुत बढ़ जाता है और कभी कभार तो मिलता भी नहीं। तो इसलिए माइनस के साथ जो है यहाँ पे गेमर्स का 32 का आंकड़ा हो चुका है। यही तो चीज, इसलिए जो है मैं बोलता हूँ कि गेमर्स के सामने कभी भी जो है बिटकॉइन का नाम मत लेना, नहीं तो आप भी जो है यहाँ पे मार खा सकते हो उनसे, यहाँ पे जूते चप्पल भी पड़ सकते हैं आपको। तो आई एम वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे अगर ना तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।